घूमते घूमते हम लोग यहाँ पे आए, ऐसे देख रहे था ना, ऐसे नजर पड़ा, वो भाई साहब कैसे सूट सबको लटका के रखा है यार, एक तरह से देखने से ही डर लग रहा है, सच बता रही हूँ मैं। अचानक से देखी ना, मेरे को डर लगा यार, सीरियल क्राइम पेट्रोल का याद आ गया, ओह माय गॉड। तो चलिए बस घूम ही रहे हैं। एवरीवन गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ इस प्लैनेट से, तुरंत मैंने वीडियो का एंड किया है और दूसरा वीडियो अभी चालू किया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था और अभी भी मैं एक दो घंटा रहने वाली हूँ। तो सोचा जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मार्केट में निकल चुकी हूँ, देखती हूँ क्या लेती हूँ क्या नहीं। प्रियंका लेगी और मैं भी कुछ लूँगी, बस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर आ गए थे पहले ईयर रिंग्स के पास, 30 रुपये करके हर एक ईयर रिंग था। साड़ी रे मैच करी कोड़ा पिंदी बे, ये यूनिक लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो प्राइस भी अच्छा खासा होगा। देखिए तो ये वाला टाइगर आपका, ये सब आपका पैर। अभी शाम का समय ना, मार्केटिंग करना बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा हवा चल रहा है ना, अच्छा लग रहा है। दिन में जितना ही धूप था अभी इतना ही छांव है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी घूम ही रहे, अभी यहाँ पे आ गए पर्स वर्स देखने के लिए, तो वही ले रहे हैं। ठीक रेट ही रेट है, 250 में बोल तो रहा है, सेल का फिक्स माल है। दुकान में जैसे पिछले वीडियो में देखे थे, मतलब हर दुकान में ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ दुकान में होते जो कि ज़्यादा प्राइस लेते हैं। अभी स्लीपर का देख लो, हाँ स्लीपर कहीं 200 कहीं 150। हम शाम को जब पूछ के गए थे, मतलब दोपहर के टाइम, तब वो उधर बोले थे, नीचे बैठे थे अंकल, 150 बोले थे, इधर जब आए 200 होगा। तो आपको देखना होगा, एक थोड़ा सा घूम, हाँ एक बार मार्केट पूरा घूमना होगा, उसके बाद ही आपको मतलब लेना चाहिए। और यहाँ भाई साहब सूट का कलेक्शन एक से है, के देख सकते हैं। पीला वाला ना बहुत अच्छा लग रहा है हल्दी फंक्शन में पहनने के लिए, सभी सूट अच्छे लग रहे हैं, सभी का सभी। अभी और मार्केट में भाई साहब इतना ज़्यादा भीड़ है ना, इतना ज़्यादा, क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। घूमते हम लोग यहाँ पे आए, ऐसे देख रहे था ना, ऐसे नजर पड़ा, वो भाई साहब कैसे सूट सबको लटका के रखा है यार, एक तरह से देखने से ही डर लग रहा है, सच बता रही हूँ मैं। अचानक से देखी ना, मेरे को डर लगा यार, सीरियल क्राइम पेट्रोल का याद आ गया, ओह माय गॉड। तो चलिए बस घूम ही रहे हैं, देख सकते हैं बहुत भीड़ है, मतलब घूमते घूमते हम लोग का टाइम बीत जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। और अब तो पूरा ही थक चुके हैं, क्योंकि रात का बज चुका है 8:15। तो फिलहाल ऑलमोस्ट शॉपिंग हो ही चुका है, कुछ कुछ बाकी है। और तो ये प्रियंका भी चली जाएगी अपना होटल रूम में और मैं चले जाऊंगी अपने घर। तो देखती हूँ कैसे जाऊंगी कैसे नहीं, वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे कुछ पर्स वगैरह है जो देख रहे हो, जीन्स का है, लेंगी कि क्या। हम लोग घूमते घूमते यहाँ पे आए हैं पानी पूरी, मतलब पुचका खाने के लिए, जो कि पुचका 20 रुपये, मतलब 5 20 में ना, चले खाते हैं। क्या बोल रहे हैं, 4 रुपये पे, एक पीस 4 रुपया हो गया है क्या भैया, मतलब आप ही लोग का तो बाजार है ना दीदी, 20 का 5 जगह में। नहीं नहीं बक, हम लोग क्या नहीं, हम लोग अभी भी मतलब 52 गाछी में सलकिया में 10 रुपये का 8 मिलता है अभी भी। आप मार्केट में है इसीलिए बोल रहे हैं, वो तो बात सही है। तो वही तो मैं आपको बोले कि आप यहाँ पे इसीलिए आपका जाम दाम ज्यादा है। तो फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं रिलायंस वाले मॉल में ना, हाँ, रिलायंस वाले। और देखो अच्छे अच्छे, वही तो यार, ये तो मैं सोच रही हूँ कुच्ची के लिए ले जाऊँ, कुच्ची के लिए क्यूट है, प्यारा है, देखिए उसके साथ पर्स भी है, वही तो। आंसू दीदी को बताना चाहिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, बताएगी अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये वाला लेंगे नहीं अभी।
तो यहाँ मॉल से निकल चुके थे, जो जो लेना था ले लिए थे, और वही अब सोच रहे थे कि अब हम घर जाएंगे, क्योंकि टाइम हो चुका था 10:45। तो रोशन जी को फ़ोन किए थे तो बोले थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, तब तक आप मार्केट में घूमिए, तब तक चलिए थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। और यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि इतना रात है, बच्चे बच्चे लोग भी घूम रहे थे, मतलब मार्केटिंग कर रहे थे, तो यही होता रहा। अभी हम लोग का एरिया में अब चल जाइए। ओह, सबका घर में बत्ती बंद हो गया होगा, सब सो गए होंगे, और यहाँ पे ऐसे जगमग जगमग कर रहा है। हम लोग का यहाँ पे सलकिया भी बंद हो जाता है इतना रात तक, आई थिंक। आर्यन के पापा से पूछते हैं कि बंद हो जाता है ना अभी हम लोग का सलकिया, वही तो सलकिया बंद हो जाता है, बोल रहे आर्यन के पापा। और यहाँ देख लीजिए, तो वहाँ के जो दुकान वाले लोग बोल रहे थे कि वो रात हो ही जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं निकल चुकी हूँ, और रास्ता देख सकते हैं कितना ही फाका, और ज़्यादातर लोग देख रहे थे आईपीएल मैच जो देख के आ रहे थे ना, बहुत सारे लोग देख रहे थे। खेला तो कब का ही ख़त्म हो गया था, हो सकता सब घूमते फिरते आते होंगे। और एक जगह रुक के अरसलान जो है वहाँ पर रुकेंगे बिरयानी लेने के लिए, आर्यन और आर्यन के पापा के लिए। रोशन जी खाएंगे नहीं क्योंकि वो शादी में गए थे, और मुझे तो खाना नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं है मुझे, बस जितना हो सके मैं पानी पीऊँगी, पानी पीते पीते ही सो जाऊँगी, सोऊँगी नहीं। अभी घर पे जाके काम भी होगा, पता नहीं क्या घर पे हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो यहाँ देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज रात को बाहर से, उसके बाद मैं आपको ब्रिज पर भी दिखाऊँगी। और ब्रिज पर जाते ही ना ऐसे मेरे को याद नहीं रहता कि हाँ मतलब कुछ करना है मुझे, जैसे ही मैं ब्रिज पे चढ़ जाती हूँ ना वैसे ही मेरे को याद आता है कि गंगा माँ को प्रणाम करना, अचानक से वो याद आ ही जाता है। और यहाँ हावड़ा ब्रिज पे तो कॉल वगैरह नेट वगैरह कुछ भी नहीं, तुरंत ऑफ हो जाता है, चलता ही नहीं है। खैर चलिए, सब चीज़ सबको पता ही होगा, मैं कितना ही ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को, पर जो जानती हूँ सोचती हूँ आप लोगों को भी बता दिया करूँ। तो फिलहाल चलिए घर पहुँचते हैं, घर का क्या कंडीशन है क्या नहीं है, बच्चा सोया होगा मेरा पता नहीं, घर जाके आप लोग से मिलते हैं। 2-3 बार फ़ोन कर दिया, मम्मी कब आएंगे, भूख लगा है, माया लग रहा है, फटाफट घर पहुंचते हैं। तो फिलहाल मैं अभी वीडियो का एंड करने जा रही हूँ, और अभी रात का टाइम हो रहा है 1:15, और मैं आ तो गई थी 11:40 में ही, क्योंकि उस टाइम से आने के बाद ना थोड़ा भी फुर्सत नहीं था कि मैं एंड करूँ वीडियो का, क्योंकि आर्यन और आर्यन के पापा सो चुके थे, दोनों को उठा के मैंने खाना दिया, इतना मतलब माया लग रहा था ना क्या ही मैं बोलो यार। आर्यन के पापा को बोली थी कि आप कुछ ला के, वैसे वो लोग ला के खाए थे मूढ़ी चौक कितना 8:30 बजे करीब में, तो जब मैं उठाई खाने के लिए तो दोनों को भूख नहीं था, बोला अभी नहीं हमले रात का मतलब 12 बज जाएगा खा लीजिए, तो दोनों खाए। उसके बाद मैंने सब घर पहुँचा, जितना भी बर्तन वगैरह था मैंने उसी समय धोया, क्योंकि नींद आता ही नहीं जब तक क्लीन ना कर लो। उसके बाद सब पोछने वोछने के बाद मैंने घर को पोछा, क्योंकि मैं अभी गर्मी में ना नीचे ही सोती हूँ, दोनों आर्यन के उसके पापा ऊपर सोते हैं, मैं जब तक गर्मी है मैं नीचे ही सोती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है। और उसके बाद मार्केटिंग वगैरह कर ली, और रात में एस्प्लेनेड क्या लग रहा था, मैं तो सोच रही हूँ अब दोबारा जाऊँगी ना, रात में ही जाऊँगी। और अभी सब चीज़ का प्राइस बढ़ा दिया गया, सब चीज़ का जितना ही मतलब चीप प्राइस बोलते थे ना, अब चीप नहीं मिल रहा है, अब हर चीज़ का भी दाम हो चुका है। इससे अच्छा तो मुझे ऑनलाइन ही लग रहा है, मीशो पे जो चीज़ मैं वहाँ 650, 650, 700 में देख रही थी वो मीशो में ही या फिर कोई भी फ्लिपकार्ट पे भी कम रेंज में ही मिल जा रहा है। मैं बोली वहीं से ले लो भैया, पता नहीं भाव बढ़ गया। पहले क्या था ना कि आप लेने जाओ और बोलो कि इतना में दीजिए तो दे देते थे, अभी क्या है लेना है लीजिए नहीं तो चले जाइए, डायरेक्टली मना कर रहे भाई। वो बोल रही है दीदी पहले तो ऐसा नहीं था, एक बार और वो आई हुई थी और शायद उसकी बहन का शादी था ना तो मार्केटिंग वगैरह करने ही पे आई थी, तो बोल रही थी पहले तो लोग दे देते थे, हमने अभी सबका भाव बढ़ गया है, बाहर से सब आके ना उस लोग का भाव बढ़ा दिए। तो खैर कुछ भी बोलिए, अच्छा लगा दिन, मतलब जो भी दिन बीता बहुत अच्छा लगा घूमे फिरे, लेकिन थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा, अभी बिल्कुल मैं अगर पढ़ूंगी ना इसीलिए मैंने क्या किया ना कल जो वीडियो डालूंगी मैंने एडिट कर लिया, क्योंकि मुझे कल डालना ही है, टाइम है मेरा डालने का। आर्यन के बाबा गुस्सा आ रहा है सो जाओ अभी मत डालो, एक दिन नहीं डालोगे तो क्या होगा,
ठीक है, मेरे पास अगर वीडियो नहीं रहता तो सोचती नहीं डालती, बट है ही तो क्यों ना डालूँ, डाल दे रही हूँ। तो वही एडिट वगैरह करके अभी टाइम पे भी लगा दिया है, उसके बाद मैं सोची अब वीडियो का मैं एंड करूँ। तो चलिए, आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया ही होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब जाती हूँ सोने के लिए, गुड नाइट।